नमस्कार दोस्तों, हम आज इतनी व्यस्त दुनिया में रहते हैं कि हमारे पास अपने शरीर की देखभाल करने के लिए भी समय नहीं है। दोस्तों, हमें यह सुंदर शरीर एक उपहार के रूप में मिला है, लेकिन इसे एक नियमित मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हमसे ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारा शरीर हम कुछ किए बगैर खुद का ख्याल रखेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। और जब हम अपने शरीर के प्रति अपने कर्तव्य में लड़खड़ाते हैं, तो अंतिम परिणाम एक अनवॉरंटेड सिचुएशन बन जाती है। हम इसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी जीवन शैली विकार। और फिर हमें उस पुराने शाश्वत बोध का पता चलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। जीवन शैली के विकारों पर आज दुनिया में खर्च किया गया कुल धन अरबों डॉलर्स में चलता है, लेकिन हमारी कभी न खत्म होने वाली पैसे और प्रसिद्धि की खोज हमें रसातल तक पहुंचाती है। और फिर हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, पीठ का दर्द यानी लो बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर्स से पीड़ित होते हैं। इसकी सूची असीमित है, द लिस्ट इज एंडलेस। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नंद किशोर और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से कैसे बचा जा सकता है। और उसके लिए आपको दिन में से सिर्फ 5 मिनट खर्च करना है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है आपके हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नता, जलन या कमजोरी आई है? लॉस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड बॉवेल कंट्रोल, दैट इज मूत्राशय या आत नियंत्रण में कमी है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, समन्वय की कमी और चलने में कठिनाई है? या वटाइगो यानी सिर का चक्कर आ रहा है? आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। दुनिया में 15% से ज़्यादा लोग स्पॉन्डिलोसिस के शिकार हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? उम्र से संबंधित होने वाली टूट फूट यानी वेयर एंड टीयर का नतीजा। हमारे रीढ़ की हड्डी की डिस्क पानी की कमी होने से सिकुड़ सी जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण विकसित होते हैं, जिसमें हड्डियों के किनारे एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से नसों के ऊपर एक दबाव सा आने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को प्रिवेंट कैसे करें? अच्छी मुद्रा विकसित करें, राइट पोस्चर, सही तरीके से बैठना या खड़े रहना अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कोई भी चीज़ उठाना है तो ठीक से उठाना सीखें। सही तरीके से उठाने से आप अपनी पीठ पर अत्यधिक दबाव से बच सकते हैं। उच्च प्रभाव वाले व्यायाम जैसे दौड़ना, कूदना से बचें। अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग एंड जंपिंग। लंबी अवधि के लिए एक स्थिति में सिर रखने से बचें, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग करते समय या टीवी देखते हुए या वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। लंबे समय तक गर्दन के विस्तार यानी नेक एक्सटेंशन से बचें, लाइक राइडिंग अ स्कूटर। शारीरिक गतिविधियां करते समय सावधानी बरतें, जो कि अक्सर नहीं की जाती है। इस तरह की गतिविधियां लक्षणों में बढ़ावा ला सकती है। चलो देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस प्रिवेंट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजें जरूरी होती है। मेंटेन सर्वाइकल हेल्थ विद डेली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ROM। ये ROM क्या है? फ्लेक्शन, गर्दन को सामने की तरफ झुकाए ताकि आपकी चीन सीने को टच करे। एक्सटेंशन, गर्दन को सीधा करें। हाइपर एक्सटेंशन, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। राइट एंड लैटरल फ्लेक्शन, गर्दन को दाएं और बाएं की तरफ बारी बारी झुकाएं, जैसे हम नॉर्मल फ्लेक्शन में करते हैं। राइट एंड लैटरल रोटेशन, गर्दन को दाएं और बाएं की तरफ मोड़े। और सर्कमडक्शन यानी गर्दन को गोलाकार में घुमाएं। याद रखो, ये सब करते हुए कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप अगर झटके से करते हैं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।
ये सब रिपीटेशंस आपको 10 बार करना है। व्हाट आर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस? अपनी हथेली को अपने माथे के खिलाफ दबाएं, अपनी गर्दन की मांसपेशियों के साथ विरोध करें, 10 सेकंड के लिए स्थिति बनाए रखें, रिलैक्स करें, 5 बार दोहराएं, अपने सिर की दाएं और बाएं तरफ दबाते हुए 5 बार दोहराएं, अपने सिर के पिछले भाग पर दबाव डालते हुए दोबारा व्यायाम करें और 5 बार फिर से दोहराएं। ये सब एक्सरसाइज करने के लिए आपको केवल 5 मिनट लगते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जिनको घंटों तक बैठ के काम करना पड़ता है, उन्हें ये बहुत ही ज़रूरी है। दिन में ये साइकिल आपको 2 बार करना है, यानी कि 10 मिनट। पर ये 10 मिनट आपको आगे आने वाली बहुत सी तकलीफों से बचा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको ऑलरेडी स्पॉन्डिलोसिस है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर एक्सरसाइज ना करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर्स यानी जमे हुए कंधे क्या होते हैं और उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके बारे में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।